बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कल चौधरी मोहसिन फ़ारूक स्मोट के चैलम पर आए हुए चौधरी कमालुद्दीन गुज्जर, मोहसिन फ़ारूक स्मोट के वालिद, मामू और सब मोहसिन फ़ारूक के चाहने वालों ने का आखिरी फैसला किया है। इससे पहले ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन फोकस बाय हसनैन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सब ने हाथ जोड़कर मौजूदा हुकूमत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से अपील की है कि हमें फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। चौधरी मोहसिन फ़ारूक स्मोट के चैलम में आए हुए बड़े बड़े वॉलीबॉल प्लेयरों का कहना था कि जब भी हमें मोहसिन फ़ारूक स्मोट के वालिद या मामू की तरफ से इत्तेजाद के लिए बुलाते हैं तो हमने एक फैसला किया है, चाहे वॉलीबॉल का कोई लोकल प्लेयर है या ओपन, उन सबको मोहसिन फ़ारूक स्मोट के घर जमा होना होगा और उसके बाद हम सड़कें बंद करेंगे। जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी और हम तब तक सड़कें बंद रखेंगे जब तक मोहसिन फ़ारूक स्मोट के घर वालों को इंसाफ नहीं मिल जाता और कोई भी प्लेयर तब तक ग्राउंड में नहीं जाएगा जब तक मोहसिन फ़ारूक स्मोट को इंसाफ नहीं मिल जाता। हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन प्लेयरों को जो मोहसिन फ़ारूक स्मोट के घर वालों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अब चौधरी मोहसिन फ़ारूक स्मोट के वालिद और मामू पर यह डिपेंड करता है कि वो इन लोगों को कब बुलाते हैं एहतजाज के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि चौधरी मोहसिन फ़ारूक स्मोट के एहतजाज में दूसरे प्लेयर भी हिस्सा ले सकें और ये बात उन तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।